एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है और वो टैंक जो है बंद है। क्वेश्चन में बता दिया क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब वो टैंक बंद है, उस टैंक का रेडियस और हाइट हम लोग को दे दिया है। जो भी सिलेंडर है उसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो एक मेटल से बना हुआ है। देखो, मेटल क्या होता है, मेटल एक शाइनी सब्सटेंस होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, शाइनी सब्सटेंस होता है जो कि जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है। एक जैसे कि आप गोल्ड को बोल सकते हो एक मेटल है, आयरन को भी एक मेटल आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी शाइनी मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि वो बहुत शाइनी होता है, उसमें से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि उसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो मेटल का बना हुआ है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, कितने मात्रा में जरूरत पड़ेगी उस मेटल शीट की, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक ऑब्वियसली सिलेंडर के शेप का होगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए एक सिलेंड्रिकल टैंक यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। समझ लो ये एक टैंक है, सिलेंडर के शेप का है। अब इसमें दो चीज गिवन है, ये सर्कल का यहां से यहां तक जो है ये 7 मीटर का है। सॉरी, क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं, ये दिया हुआ रेडियस, ठीक है, ये 7 मीटर का है। और जो इसका हाइट है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, यानी कि ये जो पोर्शन है ये 3 मीटर का है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इसको बनाने के लिए कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, हम लोग मान के चलते हैं कि एक स्टील का शीट है, उससे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टील का एक लंबा सा शीट होगा, फिर उसको रोल करके सिलेंडर बनाया जाएगा, फिर ऊपर से उसका ढक्कन बनाया जाएगा और नीचे से उसका बॉटम बनाया जाएगा। तो वो सब मिला के कितने मात्रा में उस मेटल की जरूरत पड़ी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, एक सिलेंडर को बनाने के लिए उस शीट को पूरा ऐसा गोल राउंड करना पड़ रहा है, ऊपर से भी ढक्कन डालना पड़ रहा है, नीचे से भी ढक्कन डालना पड़ रहा है। तो अगर हम इस सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि वो जो शीट है वो कितने मात्रा में उसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में है, उसको पुट करके हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जो गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(r+h)। सभी का वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 × π का वैल्यू हो जाता है 22/7 × r का वैल्यू यहां पर है 7। उसके बाद ब्रैकेट में, अब देखो यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये जितना कुछ भी है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां इंटू लगा के यहां पर लिखते हैं r+h, r का वैल्यू है 7 प्लस h का वैल्यू दिया हुआ है 3। सॉल्व करते हैं, देखो ये 7 कैंसिल हो गया, पूरा सिंगल टर्म है, ठीक है। अभी ये पूरा सिंगल टर्म है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, 7 × 7 कैंसिल हो गया। 22 × 2 ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4 = 44 × 7 + 3 हो गया 10। अब 44 × 10 हो गया 440 m², क्योंकि सब चीज मीटर में दिया हुआ है, तो आपको एरिया हमेशा जो भी यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर लगाना है। मैं एक बार क्वेश्चन में चेक करता हूँ, ठीक है, दोनों मीटर में ही दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो उस सिलेंडर को बनाने के लिए जो भी मेटल शीट यूज हो रहा है उसका एरिया कितना होना चाहिए, कम से कम 440 m², तब जाके ये सिलेंड्रिकल टैंक जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 7th क्वेश्चन।